आज मैं बनाने जा रहा हूँ गर्मियों की स्पेशल होममेड ठंडाई। हेलो गाइस, दिस इज दिनेश एंड वेलकम टू माय चैनल। ये है ठंडाई बनाने की सामग्री। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है, यह है 1 कप मेलन सीड, यह है 1 कप बादाम, यह है अखरोट 1 कप, यहाँ पे मैंने लिए 1 कप सौंफ, यहाँ पे मैंने लिए काली मिर्च 1 चम्मच, और यह है इलायची 1 चम्मच, और यहाँ पे मैंने लिया है 350 ग्राम चीनी। सबसे पहले ठंडाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रखा है बोर्ड, और फिर रखा है मैंने इसके ऊपर कप, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, ये मैंने लिए हैं यहाँ पे बादाम, हमें सारे बादाम डाल देने हैं। फिर डालना है हमने यहाँ पे अखरोट, और ये है मेलन सीड, और ये है हमारे सौंफ। फिर डाल रहा हूँ इसमें मैं, ये है इलायची, और ये है स्पाइसीनेस के लिए काली मिर्च, और इसको करेंगे हम अच्छे से मिक्स। और फिर हमने यहाँ पे लिया है थोड़ा गर्म पानी, और इसको हम सोक करने के लिए छोड़ देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। ये ठंडाई बनाने का सबसे इजी तरीका है, और मार्केट से भी अच्छी बनेगी। 3 से 4 घंटे हमने अपने इसको सोक करके रख लिया। देखिए, ये अच्छे से देखिए सोक हो चुके हैं, ये हमारे ठंडाई का मिक्सचर अच्छे से सोक हो चुका है। अब हम करेंगे इसको ब्लेंड। यहाँ पे मैंने लिया है 1 जार, अब मैं डालूँगा अपने ठंडाई के मिक्सचर को इसमें, हमने पूरा डाल देना है, और जो बचा हुआ लास्ट में पानी है हमने इसको भी डाल देना है। इसमें अच्छा फ्लेवर है, देखिए हमने इसको अच्छे से करना है ऐसे मिक्स, और हमने इसको करना है ब्लेंड। यहाँ पे देखिए मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है, ये अभी थोड़ा थोड़ा दरदरा है, कोई नहीं, अभी हम इसमें डालेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है गुलकंद, देखिए ये है, ये गुलकंद है, ये आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच गुलकंद डालनी है, अगर आपको और ज़्यादा पसंद है तो आप और डाल सकते हैं यहाँ पे। और अब हम इसको अच्छे से कर लेंगे ब्लेंड। देखिए हमने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, और एक अच्छा पेस्ट बन गया है। कढ़ाई ली थी और उस पर डाल दिया है मैंने यहाँ पे 350 ग्राम चीनी, और उसी के हिसाब से डाल दिया मैंने यहाँ पे 300 ग्राम पानी। अब हम चीनी को अच्छे से मेल्ट करेंगे, हमने खाली इसको मेल्ट करना है, और हमने ना इसकी तार बनानी है, ना हमने इसको बखर बनाना है। तो हमने इसको इजीली ऐसे, देखिए हमारे यहाँ पे अच्छे से मेल्ट हो चुकी है चीनी। अब मैं अपने जो ठंडाई का मिक्सचर हमने जो पीस के करा था, हम वो डालेंगे, देखिए ये रहा। अब हम इसको पूरा डाल देंगे अच्छे से, और जो लास्ट में बचा हुआ है उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करके इसको ऐसे करके डाल दिया। अब हमने इसको अच्छे से चलाना है। अब इसी के दौरान आप, अगर आपके पास सैफ्रन है तो आप सैफ्रन डाल सकते हैं, अगर आप सैफ्रन नहीं है तो आप मत डालिए, ये ऑप्शनल है। और इसको हमने अच्छे से ऐसे करके पकाना है। देखिए जब तक इसमें ऐसे ही उबाल आता रहेगा हमने इसको अच्छे से हिलाना है, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा, और हमारी फ्लेम मीडियम होनी चाहिए हमेशा। देखिए अच्छे से अब पक चुका है अच्छे से, और ये देखिए अभी थोड़ा थोड़ा पानी है इसमें, बट कोई नहीं, जब इसमें थोड़ा सा और उबाल आएगा तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये एकदम चम्मच में ऐसा होना चाहिए कि मतलब चम्मच में एक बार आ जाए तो उसमें गिरे ना नीचे, हमें ऐसा चाहिए। इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे, और इसको हम ठंडा करके एक बोतल में डाल देंगे। मैंने इसको अच्छे से बोतल में डाल दिया ठंडा करके, आप चाहे तो किसी और चीज़ में भी इसको स्टोर करके रख सकते हैं। अभी हमारा जो ठंडाई का मिक्सचर है सर्व करने के लिए रेडी है। मैंने यहाँ पे 2 ग्लास लिए हैं, उसमें डाल रहा हूँ मैं मिल्क, ऐसे करके मैंने इसमें मिल्क डाल दिया। अब मैं डालूँगा इसमें अपनी ठंडाई, ये मैंने यहाँ पे 2-2 चम्मच डाली है ठंडाई, यहाँ पे 1 चम्मच ऐसे डाल दिया और दूसरी चम्मच ऐसे, और यहाँ पे भी हम ऐसे सेम करके डाल दूँगा ऐसे। ये है ठंडाई का मिक्सचर हमारा, और ये ऐसी एकदम ऐसे हमने इसको मिक्स करना है। हमारी ये ठंडाई 4 महीने इजीली चल सकती है, आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रख दीजिए। और देखिए मैंने ऊपर इसमें गार्निश में डाल दिया मैंने आलमंड्स, और अगर आपके पास रोज़ पेटल है तो आप रोज़ भी डाल सकते हैं। और रेडी है आपकी ठंडाई।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।